रूस यूक्रेन युद्ध हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। जंग के तीसरे साल में प्रवेश के साथ ही रूस आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। बताया जाता है कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन के हथियारों के भंडारों पर हमला कर उसकी ताकत को कमजोर करने में जुटा है। इस बीच रूसी मीडिया ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रूस ने अपने एक ही हमले में यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि महज एक रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में ऐसा तांडव मचाया है कि यूक्रेन के 2 दर्जन से ज्यादा तोपखाने जलकर खाक हो गए हैं। हमले की ड्रोन फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है कि करीब 32 सोवियत युग के D-20 हॉविट्जर तोपें जलकर धुआं धुआं हो गई हैं। दावा है कि रूस की सीमा से लगे सूमी इलाके में यूक्रेनी शहर अख्तिरका के पास रूस ने यूक्रेन की एक सैन्य बेस को निशाना बनाया। इस हमले में अधिकतर हॉविट्जर तोपें तबाह हो गई। यूक्रेन ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में चलाए जा रहे अपने विशेष सैन्य अभियान में बीते मंगलवार 131 इलाकों में यूक्रेनी सेना और उसके सैन्य साजो सामान को तबाह किया, साथ ही एक रडार स्टेशन को भी नष्ट किया। रूसी सेना ने पिछले दिनों कुप्यांसक इलाके में करीब 25 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया, साथ ही 2 मोटर वाहन, एक 155 मिलीमीटर M777 हॉविट्जर और अमेरिकी 105 मिलीमीटर M119 तोपखाने बंदूक को भी तबाह किया है। इसके अलावा रूस ने 42वें गार्ड डिवीजन की UAV टीम ने रैबोटिनो के पास दुश्मन के गढ़ को नष्ट किया। रूस ने अपने हमले की पुष्टि करते हुए वीडियो भी जारी किया है। कामिकेज ड्रोन ने AFU की किलेबंदी को भेदते हुए कम से कम 8 यूक्रेनी जवानों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। वहीं एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रीमियम पैराट्रूपर्स यूक्रेन के सशस्त्र बलों के बख्तरबंद वाहन पर आसमान से बम बरसाते हैं। साथ ही वर्बोवॉय के पास यूक्रेनी सैनिकों के रोटेशन को विफल करने के लिए फगोट ATGM सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। रूस अपने हाईटेक हथियारों के दम पर यूक्रेन को मात देने में अब तक काफी हद तक सफल रहा है। एक अन्य वीडियो में सुपर कैम फिक्स्ड विंग टोही ड्रोन की मदद से रूसी पैराट्रूपर्स पहले यूक्रेनी सैनिकों की पहचान करते हैं और उसके बाद उन पर सटीक हमला कर टारगेट को तबाह कर देते हैं। बताया जाता है कि टोही स्पॉटर बिजली की तेजी से टारगेट का अलर्ट ATGM टीम को भेजता है, जिससे सटीक हमला कर AFU बख्तरबंद कर्मियों के वाहन को नष्ट कर देता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरबॉर्न डिवीजन की हिंसक कार्रवाइयों के चलते विदेशी निर्मित बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर उन्हें निस्ते नाबूद कर दिया। रूसी सेना की ओर से जारी किए गए एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस के BMP-3 क्रू ने ऑटोमोस्क दिशा में बाडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और यूक्रेनी सशस्त्र बलों को खत्म किया। 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन ने जंगल में यूक्रेनी सैनिकों की छिपी हुई स्थिति का पता लगाया, जिसका अलर्ट तुरंत कमांड पोस्ट को दिया गया। इसके कुछ मिनटों के भीतर ही रूसी BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ने टारगेट पर सटीक वार कर यूक्रेनी सेना के मकसद को चूर चूर किया। दावा किया जाता है कि काउंटर अटैक में 10 यूक्रेनी सैनिक मारे भी गए।